थे कि यूपी भी बिहार बनेगा बढ़िया ही सीमा देश की किसानी आजादी की लड़ाई बलिया में पत्रकार साथियों ने प्रारंभ कर दिया है कि बलिया के लिए गौरव की बात है, बलिया की प्रतिष्ठा की बात है। सबने भेजा है सरकार के इशारे पर और इसलिए धरने पर आप बैठे हैं। मैं आपके आंदोलन के हमारी पार्टी साथ है, मैं स्वयं साथ हूँ, पूरे प्रदेश की पार्टी हमारे आपके साथ है। हमारी पार्टी ये लोकतंत्र के चार स्तंभ माने गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है पत्रकारिता का, क्योंकि ये न्यायपालिका को भी जगाती है, कार्यपालिका को भी जगाती है और विधायिका को भी जगाती है, जो सबको जगाने का काम करती है, जनता की आवाज़ को समाज के सामने लाती है, सरकार की कमियों को उजागर करती हो, उसके अच्छे कामों की सराहना करती हो। ऐसे पत्रकारों को जेल में अकारण भेजना ये लोकतंत्र के मूल्यों को हरास करना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना है। इसलिए हम आपके आंदोलन के साथ हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अगर कुचल गया तो देश को गुलामी होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए देश को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं। चौथे स्तंभ को कुचलने का देख रहे हैं कि आप उनका समर्थन करें, उनके खिलाफ एक सब मत, ये तानाशाहों का काम है। हमारा और आपका काम है तानाशाही को खत्म करके लोकतांत्रिक मूल्यों की दौर की स्थापना करें और जो हमको संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसको बरकरार। जिस तरह से बलिया के पत्रकार पक्ष विपक्ष दोनों की खबरें कवरेज हमेशा करता रहा है, लेकिन आज हम लोगों के साथ देखा जाए तो केवल विपक्ष ही खड़ा है और पक्ष के कोई भी सत्ताधारी पक्ष का एक शब्द भी बोलने के तैयार नहीं है। इस पर तो कुछ नहीं करेंगे, पत्रकार पक्ष विपक्ष नहीं होता, पत्रकार निष्पक्ष। आप निष्पक्ष और निष्पक्ष के साथ सबको खड़ा, पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों निष्पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। पत्रकार निष्पक्ष होता है।